स्वागत है, देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में भाजपा विधायक राम कदम द्वारा महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान की हर तरफ आलोचना हो रही है। विपक्ष ने भी उनके इस बयान को लेकर हमला बोला है। अब एक मराठी लड़की ने राम कदम के इस बात का विरोध करते हुए उन्हें चैलेंज देते हुए कहा है कि मुझे छू कर दिखाओ, फिर बताती हूँ क्या हाल होता है। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय रौद्र शंभू। मी मीनाक्षी गणेश डिमळे पाटील, पुण्याहून। काल घाटकोपर दहीहंडी उत्सवामध्ये राम कदम यांनी एक वक्तव्य केलं। तुम्हाला मुलगी आवडली की मला एक कॉल करा, मी तिला उचलायला मदत करतो। राम कदम, तुम्हाला मी चॅलेंज करते, मला तुम्ही मुंबईमध्ये बोलवा किंवा मी मुंबईमध्ये येते, मला फक्त तुम्ही एक बोट लावून दाखवा, बाकी पुढचं उचलून न्यायची गोष्ट मी नंतर बघते। तुम्ही जे वक्तव्य केलेलं आहे ते अत्यंत लांछनास्पद आहे। शिवाय आपण महाराष्ट्रात राहतो, हा महाराष्ट्र शिवरायांचा आहे, इथं स्त्रीला देवाऱ्यातली देवी समजतात, त्यामुळे तुमच्या ह्या असल्या घाणेरड्या वक्तव्यांची ना इथं महाराष्ट्रामध्ये जागा नाही आहे। तुम्ही जे काही प्रकरणावर बोललेला आहात ना त्याचं मला तुमच्याशी शहानिशा करायची आहे। भेटूयात आपण आमने सामने, तुमच्या फोनची मी नक्कीच वाट बघेन, आजपर्यंत तुम्हाला मी खूप कॉल केले। मुंबई पुणे मार्ग पर मुंबई से पुणे की तरफ जाने वाले मार्ग आज गुरुवार तारीख 6 को दोपहर 12 से 2 बजे के बीच बंद रहने वाले हैं। खालापुर टोल नाका के पेटली ओवरहेड वायर गैंट्री बनाने का काम महाराष्ट्र राज्य रास्ता सुधार महामंडल द्वारा किया जाने वाला है, जिस वजह से इस मार्ग की यातायात 2 घंटे के लिए बंद रहने वाली है, ऐसी जानकारी महामार्ग यातायात पुलिस ने दी है। मंजर भीमाशंकर मार्ग पर श्री क्षेत्र भीमाशंकर में जाने के लिए हर रोज हजारों वाहनों की यातायात होती है। उस रास्ते के एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ खाई है। पहले ही लोग इस घाट के खड्डों की वजह से काफी परेशान हो चुके हैं। ऊपर से अभी पहाड़ों के पत्थर गिरने का डर लोगों में भरा है, जिसके चलते यात्रियों में हादसों का डर बना हुआ है। खबरों में आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिएगा MNS न्यूज लाइव। हमारे चैनल के बाकी अपडेट्स मिलने के लिए MNS हिंदी लाइव को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।